नाइस। सुनो जी, ये सिल्वर तो प्योर है ना? हाँ। चलिए मैं ठीक हूँ अब। कहाँ ठीक हो, बैठो चुपचाप। बस थोड़ा मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ मैडम जी, मैडम जी, वो ब्रह्म राक्षस ने बाजार में हमला कर दिया है। क्या? हाँ। हे भगवान, युग भी तो वहीं गया है। ओह नो। अब घबराइए मत मॉम, हम ले जाते हैं भाई को। बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। नहीं। अबे इतने पैसे दूंगा गिन भी नहीं पाएगा, बाहर जाके देख। अरे जब जान ही नहीं बचेगी तो पैसों का क्या करूंगा। तुम्हें उसे वश में करना होगा। अगर मैं उसे अपने वश में कर पाती तो यहाँ तुम्हारे पास क्यों आती कनकराज? कुछ भी करो, युग को बचाओ। क्यों नहीं कर सकती? कोशिश करो। आज पूर्णमासी है। मतलब? मतलब ये कि पूर्णमासी को इसकी शक्तियां चरम सीमा पर होती हैं। आज इसे हम वश में नहीं कर सकते, यहाँ तक कि ये ताबीज भी नहीं। तो फिर अब हम इसे अपने वश में कैसे करेंगे? हमारे खून से। नहीं छोड़ूंगा मैं।
राक्षस, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, अभी इसी वक्त लौट आओ, वापस आओ। यहां से वापस कैसे मुड़ गया? किसने किया ये सब? ब्रह्मराक्षस, ब्रह्मराक्षस और भी कोई था? आज मैं पता लगा के रहूंगी ये क्या करने वाले हैं। खून का सर हो रहा है, वो आ रहा है। हो गया, इसे तोड़ के तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? मुझे संजीवनी बूटी चाहिए, ताकत चाहिए, बदला चाहिए, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। नजर और आवाज दोनों नीचे। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी शक्तियां दिलाने के लिए अपना खून बहा रहे हैं, और बाहर तुम खून खराबा कर रहे हो। कभी सोचा है कि अगर ऐसे में तुम्हारा खून बह गया तो फिर क्या होगा? फिर किस काम की वो शक्तियां? याद रखना, तुम जानवर नहीं, हम राक्षस हो। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्तियां दिलवाने के लिए, यहाँ तक के रैना के हाथ से उस बूटी लाने के लिए मैंने ऋषभ पे वार करवाया, घायल कर दिया उसे, और अब हम हमारी मंजिल के बहुत करीब। अब बस आखिरी पड़ाव है, सब्र रखो, बस कुछ ही देर और तुम्हारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएंगी। मेरा बेटा युग वो सुई लेके आता ही होगा। मार! मॉम, ये हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, इसे मार देते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज लॉबी जी, प्लीज। हमारा राज किसी के सामने नहीं खुलना चाहिए था, मगर इस लड़की के सामने कैसे आ गया? मार डालो उसे। रवि जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं युग का पीछा कर रही थी, मुझे लगा कि वो किसी लड़की के साथ है, मैं उसका पीछा कर रही थी, मुझे बचा लीजिए। नैना शट अप। युग तू अपना मुंह बंद कर। मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि तू कुछ कर ही नहीं सकती नैना। राक्षस सब पे अटैक करा रही थी। मॉम मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसका मुंह बंद करवाओ, वरना आई स्वेयर। योग इसे भी तेरे मामा जी की तरह सवाल करने का बड़ा शौक है, सवालों का जवाब तो देना पड़ता है ना बेटा। घर की बहू सवाल कर रही है,
तो जवाब भी सुन के जाएगी। उठाओ इस लड़की को और उठाकर फेंक दो। मुझे योग, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, प्लीज प्लीज मुझे बचा लियो। योग प्लीज मुझे बचा, प्लीज प्लीज। और जानती हो ना मेरे बारे में? गेट लॉस्ट। नहीं छोड़ूंगा। आओ आओ बेटा, मिले सवालों के जवाब नैना, या भी मम्मी जी से कोई सवाल करने बाकी है? ये जो भ्रम राक्षस है ना, ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी। मेरे एक इशारे पे तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है। तुम एकदम खामोश बैठी रहो, समझ आया ना बेटा? योग हाथ पैर बांधे छिपकली के। मॉम इसे जिंदा क्यों छोड़े, इसे बाहर देते ना। इसे कब मारना है ये मैं तय करूंगी। बांध दे इसे। शिवम पानी लेके आ बेटा जल्दी। देखो ना तुम्हारा पुराना जख्म भरा है, उसी से खून निकल रहा है। ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा खून निकल रहा है और कुछ नहीं। आई एम ओके। अच्छा हुआ तो इसे लेकर आए यहाँ। ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा खून निकल रहा है। इलाज कर रही है ना, करने दो चुपचाप। मैं भर आने की क्या जरूरत थी, तुम्हारा पहले वाला जख्म भरा नहीं और फिर से ऐसे खून निकल रहा है। देखो ना ना खून निकल रहा है। तो तू प्यार से बोलो ना, डांट क्यों रही हो? ये सच्ची तो कह रही है वो। कुछ नहीं अभी ठीक हो जाएगा। वैसे जिंदी अगर तुम मेरा हाथ छोड़ भी दोगी तो भी मैं कहीं भागूंगा नहीं, प्रॉमिस। तुम्हें दर्द हो रहा था तो थोड़ा सा। लाया पानी? मैं ठीक हूँ, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? बस थोड़ा सा खून निकला, इट्स ओके। ये चिंता नहीं, प्यार है। तुमने इनके बेटे की जान बचाई है। ये शिवम के थैंक यू कहने का तरीका है, घुमा फिरा के सब कुछ कहता है थैंक यू भी। क्यों? I'm sure अगर शिवम मेरी जगह होता तो भी वही करता। No big deal. इसलिए तो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि जो तुमने किया है ना उसके आगे ये शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई, राक्षस मेरे पे अटैक करते करते अचानक वहां से भाग क्यों गया? वो असुर स्थल से ही भागा था उस दिन।
जब उसने तुम पे वार किया था। मुझे लगता है वो किसी ना किसी के वश में। वश में? मतलब राक्षस को कौन वश में कर सकता है? रानी, कभी कभी ना उसके रंग ढंग देख कर ऐसा ही लगता है कि वो किसी के इशारों पे नाच रहा है। जैसे आज वो मुझ पर और ऋषभ पर अटैक कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। आज तो हमारे पास कोई रक्षा कवच भी नहीं था, तो उसने अटैक क्यों नहीं किया? अब इतने सारे कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते ना। ये रैना के दिमाग में क्या चल रहा है? मैडम जी, आपको ऋषभ बाबू की टेंशन नहीं होती? नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, उसकी टेंशन लेने के लिए। अरे वाह, काश सारी लुकाई आप जैसी होती तो कमों की इतने सारे घरों में नौकरियां नहीं छूटती। ठीक से दबाओ। अब मैडम जी, आपको एक राज की बात बताऊं? वो क्या है ना कि आपने मुझे नौकरी दिलाई, आपके पति पे ना सौतन का साया है। खैर, सौतन तो कमों ने बहुत देखे हैं, लेकिन ये रैना मैडम, ये हीरोइन वाली सौतन है, चम्मक छल्लो वाली सौतन। ऐसी सौतन ना बहुत खतरनाक होती है। कब आपको आप ही के घर से निकाल ले आपको पता ही नहीं चलेगा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जब पता नहीं कुछ तो बोलती क्यों चली जा रही हो? हाँ, ऋषभ सिर्फ मेरा दीवाना था, वो तो मैं ही उसका दिल तोड़ के यूएस चली गई। उसके बाद वो हर ऐरी गैरी लड़की का दीवाना होने लग गया, वरना मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं था। मैडम, वो पिच्छू की बात है, आज की बात करो। आज तो वो रैना का दीवाना है, आपका नहीं। शट अप, शट अप। मैं शट अप नहीं रहूंगी मैडम जी। आपने मेरे लिए इतना किया है, अरे सौतन भी हो तो टक्कर की हो। वो रैना तो मुनीम की बेटी है, और आपका स्टेटस देखो, कहा आप कहा वो, मेरा मतलब कहा आप कहा वो। अरे आपके पति को सौतन ही पालनी थी तो कोई हीरोइन पालते, कम से कम आपकी इंसुलेट तो नहीं होती। चुप रहो बिल्कुल। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी इंसल्ट कराने, मैं उन लोगों में से हूँ जो दूसरों को इंसल्ट करते। तुम देखो, देखो मैं उस रैना के साथ क्या करती हूँ। कमो भड़की, चिंगारी भड़क गई। मॉम, इसे मार देते ना। अगर एक बार में तेरे समझ में बात नहीं आती है तो बार बार बेवकूफों की तरह पूछा मत कर। चल यहां से। सुन लड़की, तेरी जिंदगी की डोर इस वक्त इतनी कच्ची है कि तेरी एक गलती, तेरा ये पति, यही तेरे लिए ब्रह्म राक्षस बन जाएगा और मैं रोक नहीं पाऊंगी उसे। कुछ भी गलत किया ना तूने तो ये तुझे मारने के लिए मरा जा रहा है और मार ही देगा, और मैं बचा भी नहीं पाऊंगी। करेगी कुछ? समझ आया? चलियो। हम इसे अपने ही घर में रखेंगे। दीवारों में रास्ते और रास्तों में दीवारें। किसी को यह पता ही नहीं कि इस घर की दीवारों में एक कमरा भी दफन है। मॉम, आवाज कौन हो सकता है? मोहिनी आंटी यहाँ स्टोर रूम में भी नहीं है। मुझे उनसे बात करनी है, कैसे करूं? उनका फोन भी नहीं लग रहा। फिर से फोन ट्राई करती हूँ। अब क्या करें? नहीं, रुक,
मैं जाके देख के आती हूँ। उसे मुझसे बात करनी थी ना। लड़की इतनी जिद्दी है कि अगर मैं पाताल में भी छुप जाऊँ ना तो वहां भी आ जाएगी मेरे पीछे। इसको भी मार देते ना। योग, हमें इसके खून की जरूरत है। एक बार हम खून ले लें उसका, तब तक तू ना कुछ उल्टा सीधा सोचना भी मत। यही छुपा रहे मैं आती हूँ। आंटी जी, आंटी जी कहाँ हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस अपने परिवार को कमलपुरा से बाहर ले जाना चाहती हूँ, उस भ्रम राक्षस से बचाना चाहती हूँ। मुझे तो ऐसे लगने लगा है जैसे कनकराज जी भी अब कुछ नहीं कर सकते हमारे। बस हमें यहाँ से ले जाए, बाद में बात करती हूँ। रैना बेटा, तू यहाँ है तो ऋषभ कहाँ है? ऋषभ अपने कमरे में है, वो आराम कर रहा है। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। बस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आन, बैठ। क्या हो गया? इतनी क्या जरूरी बात है? बैठ जा। आंटी जी, कोई है जो उस राक्षस को अपने वश में कर रहा है। राक्षस को वश में? नहीं बेटा, ऐसे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। एक औरत है, आपको याद है एक ब्रेसलेट मिला था, उसी औरत का वो ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट तो किसी का भी हो सकता है ना रैना, पूरे गांव में कहाँ ढूंढने जाएंगे? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मुझे लगता है हमारे घर से ही कोई है। मैंने वो ब्रेसलेट उस ज्वेलर को दिखाया था, वो कमलपुरा में एक ही ज्वेलर है। उसने कहा वो उसका डिजाइन नहीं है, शहर का डिजाइन है, और शहर से तो हम ही आए हैं ना। रैना, अगर तू हमारे परिवार की बात कर रही है तो कौन हो सकता है? ये तो मेरा सवाल है, कौन हो सकता है? आप किसी पे उंगली भी नहीं उठा सकते, सबके स्पेलिंग में आए हैं। रैना, अगर बात सिर्फ आई की है तो वो तो हमारे परिवार में हर औरत के नाम में है। देखना, तेरे नाम में भी है, यहाँ तक कि आए तो मेरे नाम में भी है ना बेटा। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। दुनिया में कोई भी आके मुझे कहे कि वो आप है, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी, कभी नहीं मानूंगी। फिर कौन हो सकता है? कियारा? कियारा पता नहीं आंटी, मुझे लगता है वो ऋषभ से बहुत प्यार करती है, और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाते ना। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी कुछ सोचती हूँ। बस एक बात याद रखना, हम दोनों के बीच जो आज बातें हुई है वो किसी के सामने बोलना नहीं, वरना जो इंसान है वो चौकन्ना हो जाएगा। सोचते हैं, दोनों मिलके कुछ सोचेंगे। आंटी अब बिल्कुल सही कह रही है। इस रैना को अगर ऐसे ही जासूसी करनी है, एक ना एक दिन तो ये मुझ तक पहुंच जाएगी। इसका शक किसी और पे डालना होगा, लेकिन किस पे? मिल गई, भ्रम राक्षस को कंट्रोल करने वाली मिल गई। तुम समझ रहे हो ना मैं कैसा फील कर रही हूं? ऋषभ मेरा पति है, लेकिन तुम्हारी दोस्त रैना मेरी शादी तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रही है। रैना ऐसा नहीं कर सकती। रैना ऐसा कर रही है। उसने कहा था कि उसे ऋषभ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने ऋषभ से शादी कर ली, लेकिन अब पूरा टाइम ऋषभ के पीछे पीछे घूमती रहती है। तुम ऋषभ से जाके क्यों नहीं कहती? क्या? कि वो रैना से दूर रहे। पति तो तुम्हारा है ना, रैना पे इल्जाम मत लगाओ। तुम रैना को क्यों नहीं समझाते कि मेरे पति से दूर रहे? सारा टाइम उसके पीछे पीछे ऐसे घूमती रहती है जैसे पता नहीं उसे कितनी केयर करती है। अगर तुम इतनी केयर करती तो अपने पति के लिए वो बूटी तुम लेने जाती, अपने पति को बचाने के लिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम लाइयो प्रॉब्लम मेरे लिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम रैना से प्यार नहीं करते, इज दैट इट? तुमसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझता। ऑलराइट, मैं जा रही हूँ, लेकिन कल को जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना तो रोते रोते मुझे फोन मत करना। आज हम दोनों का प्रॉब्लम सेम है, अगर मिलके साथ नहीं चले ना तो कल को अकेले चलने के लायक भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे साथ मिलके चला ना
तो किसी से मिलने के लायक भी नहीं रहूंगा। माँ क्या हुआ? पता नहीं, कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या आज पूर्णमासी की रात है? हाँ, तू जानता है ना पूर्णमासी की रात क्या होता है? हाँ जानता हूँ, पूरे चांद की रात ब्रह्माक्षस और भी शक्तिशाली हो जाता है और किसी के वश में नहीं आता है। नैना, ओ नैना, कहाँ गई? दादी, दादी वो नैना भाभी कहीं बाहर गई है, पता नहीं कहाँ। पता नहीं मतलब? अरे फिर चोट लग गई होगी और फिर से डॉक्टर के पास चले गए होंगे। ऐसी कैसी चोट मिताली? ऐसे बार बार चोट लगना, नैना भाभी का बार बार डॉक्टर के पास जाना, ये इतने संजोग नहीं हो सकते। नैना भाभी कुछ और जरूर कर रही है। I'm so sorry. क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, वो मेरा ना दिमाग कहीं और था। I'm sorry. नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है ना? मैंने फुली घर पे नोटिस किया, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। मुझे बता, मुझसे भी छुपाओगी? मुझे तो बता सकती हो। क्या बताओ ऋषभ, मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि तुम उस पर ट्रस्ट करो या ना करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे बताओ, आई हेल्प यू। अब तक हमने जो कुछ भी किया साथ ही किया ना, तो अब भी साथ रहते हैं, साथ ही करते हैं। तुम्हारे कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मॉम, युग भैया, पानी ला जल्दी से। जल्दी ला। कैसे हो? किसने किया ऐसा भाई? इतना खून निकल रहा है। पर युग कुछ तो बोल, ये सब क्या हुआ? मिताली, मैं तो नैना को ढूंढने बाहर गया था। मैंने उसे राक्षस बिल्कुल बगल में देखा। बगल में मैं डर गया और फिर उसने अटैक कर दिया। मुझे लगा वो राक्षस नैना पे अटैक कर रहा है। स्वयं मैंने बचाने की पूरी कोशिश की उसे, लेकिन वो तो लेकिन क्या, नैना वैसी नहीं है जैसी दिखती है। क्या बोल रहे हो आप? नैना भाभी है? सब तेरी नैना भाभी नहीं है। इनफैक्ट जिस नैना को हम जानते हैं, भोली भाली सीधी साधी, वो बिल्कुल वैसी नहीं है। वो तो बहुत डेंजरस है। मैं आज तक उसे अपने वश में नहीं कर सका और वो राक्षस को अपने वश में करती। क्या बोल रहे हो? ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। मिताली, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। इसे जरा इलाज की जरूरत। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरे होश में था जब उसने मेरी आंखों के सामने उस राक्षस को ऑर्डर दिया कि मार दो युग को। मर गया होता तो आप मानते? आपको लगता है मेरा दिमाग खराब हो? आप जानते हैं कितनी मुश्किलों से बच के मैं आया हूँ। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, वो नैना राक्षस को 100% कंट्रोल करती है और जैसा वो कहती है वो वही करता है। नैना भाभी ऐसा नहीं कर सकती। I mean, नैना भाभी, नैना एक मक्खी को भी नहीं मार सकती है, वो राक्षस को वश में करेगी। युग, तू क्या कह रहा है? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। वही हो रहा है जो सदियों से होता आया है। धोखा वही देता है इस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। Exactly, Dad, वही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप लोग मानते क्यों नहीं हो? मैं इतना भी कह सकता हूँ कि अब वो घर में नहीं आएगी, उसने मुझे उसे देखते हुए देख लिया है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं आऊंगा और आप सबको सच बता दूंगा। लेकिन बेट, वो यहां नहीं आएगी। डॉक्टर आ रहे हैं। चलो ऋषभ, इसे अंदर ले जाओ।
ये है वो लड़की, इसे उठाओ और मार डालो। मैडम जी आप कौन और इसे क्यों मारना चाहती हो? मेरा बायोडेटा मत पूछो, काम करो, पैसे लो और चलते बना। उसका बायोडेटा क्यों पूछ रहे हैं? अपने को पैसा मिल रहा है और वो भी सोने के भाव। चुपचाप ले ले। कहाँ मिलेगी ये लड़की? ये बगल वाले गांव में कमलपुरा ठाकुर की हवेली पे। कमलपुरा? वहां तो ब्रह्म राक्षस रहता है। ना बाबा ना, हमें मौत के मुंह में नहीं जाना है। चलो भाई। चार लोग और इतने सारे सोने के सिक्के, मर भी गए ना तो भी हमारा सारा खानदान सारी जिंदगी घर बैठ के खाएगा। जितना जिंदगी में ख्वाब नहीं देखा ना, उससे ज्यादा एक झटके में कमा लूंगा। ये रखो एडवांस, बाकी के सिक्के लड़की की लाश देखने के बाद। काम हो जाए। नैना भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं चिंदी, सुना ना तुमने? सुना एक भैया क्या कह रहे थे? नैना भाभी ऐसा कर सकती है? नैना भाभी, मुझे पता था ऋषभ, तुम्हें शॉक जरूर लगेगा ये सुन के कि नैना भाभी ने। एक मिनट, तुम भी कह रही हो? तुम भी यही कह रही हो? ऋषभ, ऋषभ तुम्हें याद है वो रात जब मैं बाहर गई थी और तुम आए थे मंदिर मुझे ढूंढने? उससे पहले मुझे कुछ इंस्पेक्टर्स मिले और उनके पास एक ब्रेसलेट था जो उन्हें लैब में मिला था। वही ब्रेसलेट लेकर वो कमलपुरा आ रहे थे गुनेगार को ढूंढने। मैंने कहा क्या मैं देख सकती हूँ? उससे पहले ही ब्रह्म राक्षस वहां आ गया और वो ब्रेसलेट लेकर वो चला गया। बस उस ब्रेसलेट का एक टुकड़ा वहां बच गया और उस टुकड़े में एक अक्षर आए, मतलब जिसका भी वो ब्रेसलेट है उसके नाम में आए जरूर है। और वही आए लेकर मैं ज्वेलर के पास गई थी ऋषभ। नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, ये 24 कैरेट है। मैडम ये गांव है, यहाँ इतना महंगा कोई नहीं खरीदता। जैसे जयपुर हैदराबाद की कारीगरी पारंपरिक होती है और ये मॉडर्न डिजाइन है, पक्का शहर का है। और तुम कह रही हो नैना भाभी का है? पता नहीं ऋषभ, शायद हो सकता है। उस रात जब मैं वापस आई थी तब मैंने नैना भाभी के हाथ पे चोट देखे, उसी जगह जहाँ ब्रेसलेट पहनते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये चोट कैसे लगी, उन्होंने कहा चूड़ी के टूटने से उन्हें चोट लग गई, तभी मुझे शक हुआ। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं किसी को क्या बताती। फिर कल रात मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा, जब वो वापस आई तो अजीब से हालत में थी, बहुत घबराई हुई थी, चोट के निशान और पैरों पर मिट्टी। तभी मुझे ज्यादा डाउट हुआ। यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि ऊपर रूम में चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यही तो बताना चाहती थी जब युग भैया आ गए। विश्वास नहीं होता चिंदी, नैना भाभी ऐसा कर सकती है? नैना भाभी, इसीलिए मैंने तुम्हें या किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था किसी को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर मैंने सोचा कि अगर अपूमा ऐसे कर सकती है तो, मतलब हमने अपूमा में भी तो शक नहीं किया था, उन पर भी तो पूरा विश्वास किया था और उन्होंने भी हमारा विश्वास तोड़ा था ना। सच कह रही हो चिंदी, तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। पता नहीं किसके चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ है। नैना भाभी, राखी के जाने के बाद नैना भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ऋषभ, हम सब कुछ शेयर करते थे, सारी बातें एक दूसरे को बताते थे, वो ऐसा कर सकती है? ऋषभ, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? शायद योग भैया को बचाते वक्त थोड़ी चोट लग गई होगी। अब मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। इट्स ओके। रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ।
क्यों? बहुत गुरूर महसूस कर रही हो, कहां से कहां तक पहुंच गई? क्यों ना गुरूर महसूस करूं? इतना कुछ हासिल जो किया है मैंने, हमसे पहले कितनों ने कोशिश की थी, लेकिन क्या लगा था उनके हाथ? कुछ भी नहीं। अप्पू ने भी कोशिश की थी ना, बेचारी भ्रम राक्षस बन गई और फिर मर भी गई, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले, समझो पहुंच ही गए। ये गोलियां, इसे जो खाता है उसे कुछ याद नहीं रहता। गोलियों की जरूरत तो हमें सबसे ज्यादा रैना के लिए पड़ेगी। हम उसका खून भी ले लेंगे और उसे याद भी नहीं रहेगा। ये गोलियां तुम अपने हाथ से उसे खिलाओगी? मेरे हाथों से तो वो जहर भी खा लेगी। इतना विश्वास करती है मुझ पर माँ जो कहती, ये गोलियां उसे देकर मैं उसे यहां ले आऊंगी। मगर याद रहे, ये काम आज के आज हो जाना चाहिए। समझो, आज ये काम नहीं हुआ तो हमें अगली पूर्णमासी तक का इंतजार करना पड़ेगा, पूरे 15 दिन। किसी भी सूरत में आज हमें उसका खून चाहिए। मिल जाएगा। ये बाबू, चिंता काहे करते हो? कम मुंह है ना, एक बार बुला कर तो देखिए। फिर बाबू ने बुलाया और कम्मू चली आई, कमर हथेली पर ले आई रे। ओ आपके लिए जूस लाए। जूस? छागवान कम्मो, मेरी पत्नी चली गई। हो गई तो मैं आई। आ गई कम्मो, उसका नाम नहीं तो क्या, उसके सारे काम तो कर सकते हूँ। ये लीजिए बाबू, जूस पीजिए। धीरे संभल के, आपको पता है बाबू, कमू का दिल निकल कर हाथ में आ गया था कि मेरे बाबू को कुछ हो जाता तो कमू का क्या होता। तेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, यूं ही बुत बन के खड़ी रहोगी जाओगी नहीं, अपने बेटे का ख्याल में रख सकती हूँ। सुना ना मॉम ने क्या कहा? वो आओ मॉम, कर रहा था तू हाँ, एक नौकरानी के साथ बीवी को जाके एक दिन भी नहीं और ये गुल खिला रहा है, रैना ने देख लिया होता तो? ये सब छोड़िए मॉम, यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है कि आपने भ्रम राक्षस से मुझ पे ही अटैक करवा दिया। हाँ, तेरी जान बचाने के लिए। क्या कहा था नीचे मैंने? ये कहा था ना कि नैना उस भ्रम राक्षस को अपने वश में कर रही है, अगर उनसे बिटवाती तो डॉक्टर आके क्या कहता? राक्षस का नाम आना चाहिए था ना। कभी कभी तो मुझे ही शक होता है मॉम कि आप मेरी मॉम हो भी या नहीं। अरे अपने बेटे पे इस तरह कौन अटैक करवाता है? माँ हूँ इसीलिए ये सब कर रही हूँ। रैना को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि इस सब के पीछे मैं। वैसे भी अब तक हम उसका खून लेने में कामयाब नहीं हुए। सुरैना के खून के चक्कर में मेरा खून हो गया था ऑलमोस्ट मॉम। जब नौटंकी करता है ना तो शक मुझे होता है असली औलाद है या नहीं तू मेरी। अब मैं नीचे जा रही हूँ, बाकी के सारे काम खत्म कर। और याद रहे युग, दोबारा तेरी कोई बेवकूफी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए।
सारे रईसादे एक जैसे होते, पहले लड़की के साथ डिस्को करते हैं और फिर ताऊ में आके कह देते हैं डिस्को वाले खिसको। अरे मैं भी नैना। अरे खम्मो, तू तू क्या, कोई भी नैना नहीं बन सकती। वो अपने पति पर सिंट्रोल नहीं रख सकती, लेकिन राक्षस पर काबू कर सकती है। अच्छा, अगर नैना भी राक्षस पर काबू कर सकती है तो मैं भी अपने बबुआ पर पूरा काबू रखूंगी। लेकिन उसकी अम्मा का क्या कर? क्या हुआ कम्मू, तुम अपने से ही बातें कर रही हो? वो मैं तो अपनी सौतन को, मेरा मतलब किस्मत को खोज रही थी। मैडम जी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, गर्म पानी का बैग चाहिए था। अच्छा, वो तो स्टोर रूम में है, मैं अभी ले आई। एक सेकंड, मैं खुद जाकर लेके आऊंगी। क्या लिखा है मेरी किस्मत में? क्या मैं भी ऐसे ही गुमनाम मौत मर जाऊंगी? गरम पानी का बैग कहाँ है? यहाँ पर भी नहीं है। ऊपर किसने रख दिया? आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है कोई खरोच रहा है। कहाँ से आ रही है आवाज? यही कहीं से आ रही है? इस बुकशेल्फ के पीछे